बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि यार एक जो एलील है वो क्या चीज होती है। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जो एक जीन है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म, उसमें अगर म्यूटेशन आ जाती है, उसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो कि सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कंट्रोल करेगी, उसे हम लोग उस जीन की एलील का नाम देते हैं। जितनी भी ऐसी जीन्स हैं जिनकी दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उन जो दो से ज्यादा एलील्स मौजूद हैं, उन तमाम एलील्स को हम लोग मल्टीपल एलील्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, हम एक बड़ा कॉमन सा कैरेक्टर है आई कलर। आई कलर को अगर देखते हैं तो हमारे पास बेतहाशा आंखों के रंग देखने को मिलते हैं अलग अलग लोगों के अंदर। ब्लैक, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये तमाम आंखों के जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग एलील्स कंट्रोल कर रही हैं। तो ये भी एक एग्जांपल होगी मल्टीपल एलीलिज्म की। तो यहाँ पे ना एक एमसीक्यू जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना कि जीन म्यूटेशंस एलील्स को जनरेट करती है, एलील्स को प्रोड्यूस करती है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक करेक्टर की जो जीन है उसकी 300 या 400 या 500 अलग अलग एलील्स हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पे मैक्सिमम दो एलील्स ही हो सकती है उस एक जीन को कंट्रोल करने वाली। एक एलील हमारे मदर से हमारी बॉडी में आएगी, दूसरी एलील हमारे फादर से आएगी। तो एक ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम दो एलील्स हो सकती हैं, वैसे चाहे जितनी मर्जी एलील्स एग्जिस्ट करती हो नेचर के अंदर। अब मल्टीपल एलीलिज्म की टाइप हमारे पास आती है, इसकी एक एग्जाम्पल आती है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम काफी सिंपल है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल भी है साथ ही साथ। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसका एक एमसीक्यू जो कि थोड़ा सा कॉमन है वो ये है कि इसको किसने डिस्कवर किया और इसको किसने एक्सप्लेन किया। तो कार्ल लैंडस्टाइन ने 1901 के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर तो किया, मगर वो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज ही डिड नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। और बर्नस्टीन वो साइंटिस्ट था जिसने 1925 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जेनेटिक बेसिस है उनको एक्सप्लेन किया, उसको मुकम्मल तौर पे तफसीलन जो है वो बयान किया। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसमें चार अलग अलग फीनोटाइप्स होती हैं। याद रखिएगा, हम लोग ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ और ब्लड ग्रुप ए बी, ये चार की बात करेंगे। हम ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव की बात नहीं करेंगे बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आर एच फैक्टर के अंदर आ जाते हैं, वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर नहीं आता। तो इसकी चार अलग अलग फीनोटाइप्स होती हैं। ये जो चार अलग अलग फीनोटाइप्स हैं वो किस चीज की बेस पे बनाई जा रही है कि हमारे पास एक रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर कौन सी एंटीजन मौजूद है। अगर कोई एंटीजन है, सबसे पहली बात ये, अगर एंटीजन है या नहीं है, अगर है तो वो कौन सी वाली एंटीजन है, इन चीजों की बेस पे जो ब्लड ग्रुप है उसे बनाया जाता है। तो बर्नस्टीन ने डिस्कवर किया है कि एक पॉलीमॉर्फिक जीन है जिसका नाम उसने जीन आई रखा, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होती है, वो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसकी चंद एक जेनेटिक बेसिस या चंद एक बेसिस की वैसे बात कर लेते हैं। जो जीन है ना आई, कैपिटल आई, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, इसकी एक फॉर्म है कैपिटल आई ए, जिसने एंटीजन ए बनानी है, वो एंटीजन जो बना रही होगी ए वाली एंटीजन बनाएगी। इसकी एक फॉर्म है जी कैपिटल आई बी, जिसने बी वाली एंटीजन बनानी है। ये दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाती है, एक ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम दो एलील्स हो सकती है ना, तो अगर ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाती है तो ये दोनों एंटीजन प्रोड्यूस कर देंगी। इनमें ऐसा नहीं होगा कि ए वाली जो है वो बी के ऊपर जो है वो डोमिनेट कर जाए या बी वाली ए के ऊपर डोमिनेट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। और आई की जो तीसरी फॉर्म है दैट इज स्मॉल आई, ये वाली एलील रिसेसिव है। तो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव वाला रिलेशनशिप है, उसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक जीनोटाइप आ रही है किसी ऑर्गेनिज्म की, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप है कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी, क्योंकि इसमें बी वाली एंटीजन होगी, स्मॉल आई तो वैसे ही रिसेसिव है। अगर किसी इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी हो गया, इसका इसकी जो जीनोटाइप होगी वो ए, सॉरी इसका जो फीनोटाइप इसकी होगी, इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। इसके अलावा जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो तो हो ही सकता है, ऑब्वियसली वो हो सकता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो जीन आई ने कंट्रोल करना है, पॉलीमॉर्फिक जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होती है। इसकी तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं, आई ए जो कि ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, आई बी जो कि बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगी और ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा, और स्मॉल आई जिसने कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करनी। और अगर हम लोग जो
होमोजाइगस रिसेसिव है इसकी अगर बात करते हैं, अगर किसी इंसान के अंदर ये वाली जीनोटाइप आती है तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ होगा, इट विल बी ओ ब्लड ग्रुप। तो अगर हम लोग ग्रुप ए की बात करें, ग्रुप ए की कौन कौन सी जीनोटाइप हो सकती है, कैपिटल आई ए और इसके अलावा कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई, ये ग्रुप ए की जीनोटाइप, ये दो अलग अलग हो सकती है। ग्रुप बी की बात करें, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी या फिर कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, ये ग्रुप बी की जीनोटाइप हो सकती है। ग्रुप ए बी की अगर बात करते हैं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही वाली जीनोटाइप बनती है, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। ग्रुप ओ की अगर बात करते हैं तो इसकी जो जीनोटाइप होगी स्मॉल आई, हमारे पास ये वाली जीनोटाइप होगी। तो ये हमारे पास चार अलग अलग फिनोटाइप्स हैं जो कि ब्लड ग्रुप सिस्टम ए बी ओ की आती है। अगर इनकी एमसीक्यूज की बात करें तो एलील्स फ्रॉम अ जीन अराइज बाय, तो किसी भी जीन की जो एलील्स होती हैं वो सिर्फ म्यूटेशन के जरिए प्रोड्यूस होती हैं, काफी सिंपल सा एमसीक्यूज है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें पॉलीजीन नहीं होती, एक ही सिंगल ही जीन है, लेकिन वो जो जीन है वो मल्टीपल एलील्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल है ये। Which one of the following is a multiple allelic character? अभी हम लोगों ने बात की कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो इंसान का वो मल्टीपल एलीलिक कैरेक्टर है। If Sara has a blood group O, the genotype of her mother and father is possible. अब यहाँ पे देखें, Sara का अगर blood group है O, तो Sara की जो genotype अपनी genotype होगी वो small i ये वाली genotype होगी। यानी कि उसकी mother से भी एक small i उसको मिली है और उसके father से भी उसको एक small i मिली है। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें एक के अंदर दोनों बी वाली एलील्स हैं, यानी कि एक साइड से आई वाली एलील आ सकती है, दूसरे से नहीं आ सकती, ये वाली ऑप्शन गलत होगी। इसमें किसी में भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें दोनों में अगर आप देखें, मदर और फादर दोनों के अंदर एक एक आई वाली स्मॉल आई वाली एलील मौजूद है, तो दिस कैन बी द राइट आंसर। नीचे वाले में भी गलत है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो इसका आंसर होगी। Relationship between alleles of ABO blood group system can be explained by. अब देखिए ये वाला जो MCQs है ना, ये काफी conceptual है कि हमारे पास अगर capital IA, capital IB ये वाली दो alleles exist कर रही हो तो वो co-dominance होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं capital IA और small i की, या capital IB और small i की, तो ये complete dominance है। तो कोडोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस दोनों ही होगा हमारे पास, ए ऑप्शन जो है कंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस विल बी द राइट आंसर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर तो लैंडस्टाइनर ने किया था, अगर यहाँ पे ये होता है कि इसको एक्सप्लेन किसने किया था तो दैट वुड बी द बर्नस्टीन, ठीक है।